नमस्कार दोस्तों, वैफी गुरु जी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं जो 14 फरवरी 2019 के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है, हाल ही में यूनानी चिकित्सा पद्धति पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेडियो दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 13 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आरंभ किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में एक्सरसाइज राहत का समापन कहाँ संपन्न हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पहला लावासिया मानवाधिकार सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की एकल टेनिस रैंकिंग के टॉप 100 में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए, प्रजनेश गुणेश्वरन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट सम्मेलन का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MSME मंत्रालय द्वारा मिनी रत्न श्रेणी के अंतर्गत किसे विजेता घोषित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी, NFDC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक है लेट्स टॉक ऑन एयर कन्वर्सेशंस विद रेडियो प्रेजेंटर्स, पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों इसका सही आंसर राकेश आनंद बख्शी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडिया यूनिटों का पहला वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारथी संध्या वाहनों को झंडी दिखाकर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रवाना किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस मंत्रालय ने इंडिया स्पेयर हेडिंग क्लाइमेट सॉल्यूशन पुस्तक का विमोचन किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रेल मंत्रालय ने। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं दोस्तों जो हमने कल क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में। तो कल हमने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश ने फुटबॉल में जापान को हराकर अपना पहला एशिया कप खिताब जीता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए, कतर था। और दोस्तों अब हम बात करते हैं जो आज का सवाल है उसके बारे में। तो आज का सवाल है दोस्तों, डॉल्फिन को हाल ही में किस राज्य का जलीय जानवर घोषित किया गया है? तो दोस्तों आपको इसका सही जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, और दोस्तों इसका हम जवाब देंगे नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों कल टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो में आवाज़ नहीं आ पाई थी, तो उसका आज सॉल्यूशन हो गया है। और दोस्तों जो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो है वे प्रत्येक दिन डाली जाती है, इसलिए आप करंट अफेयर्स की वीडियो देख करके अपने जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम दोस्तों आपके लिए बहुत ही यूजफुल लेटेस्ट न्यूज़, करंट अफेयर्स और लेटेस्ट जॉब और जो भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है उसे जैसे ही न्यूज़ आती है उसके बाद हम तुरंत आपको चैनल के माध्यम से बता देते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।